हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7। और मैं हूं सुमन साकेत। सबसे पहले आज की शुरुआत जो हम करेंगे वो धन्यवाद से करेंगे, बिकॉज आपका जो प्यार, स्नेह और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिकॉज आपका जो फीडबैक है, आपका जो सपोर्ट है, वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कि हम आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्यार स्नेह से ही इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, और हमें बताते हैं बहुत ही खुशी हो रही है कि आने वाले टाइम में जिसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर आए थे इस चैनल के माध्यम से, वो जो है हम पूरा कर सकें, इसके लिए और भी बेहतर तरीके से हम जो है वो हार्डवर्क कर रहे हैं। और जल्द ही आपके साथ एक नए प्रोग्राम के थ्रू मिलने वाले हैं, और उस प्रोग्राम में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से कॉन्क्रीट नॉलेज जो है वो आपको शेयर करने वाले हैं। तो आप लोगों से, जैसा कि पहले भी रिक्वेस्ट रहा है, आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, और जो है और भी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके क्या हो सके तो लाभान्वित हो सकें। चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने लेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो लेशन आज का है, ये हमारा लेशन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, और इस चैप्टर को मैंने लिया है स्टैंडर्ड 6 से। तो आज का जो ये लेशन है फोकस्ड स्टैंडर्ड 6 के लिए, और यहाँ हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर। सबसे पहले जब फैक्टर की बात आती है, तो फैक्टर क्या होता है? ए नंबर होता है। ए क्या होता है? नंबर होता है। फैक्टर ऑफ ए नंबर टू बी ए एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो क्या होता है, फैक्टर होता है, वो नथिंग बट एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। कैसे? तो अगर मैं 15 की बात करूं तो ये कौन कौन से नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा, और डिविजिबल तो होगा, बट रिमाइंडर क्या आनी चाहिए? जीरो, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो एक से ये होगा, दूसरा किससे होगा? तो दूसरा ये 3 से होगा, तीसरा किससे होगा तो 5 से होगा, और चौथा किससे होगा? 15 से होगा। इस 4 नंबर्स के अलावा ये एग्जैक्ट डिविजिबल किसी नंबर से नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि 1, 3, 5 एंड 15 व्हाट इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर। किस नंबर का? तो ये नंबर हमारा 15 है। हम ये कह देते हैं कि 15 का ये 1, 3, 5 और 15 क्या है? फैक्टर है। आप ये बताइए कि ये आपको समझ आया कि नहीं। आई होप कि ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये वेरी क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके नंबर पे, आपके स्क्रीन पे जो है नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी भी दिया गया है, और इसके अलावा आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट के थ्रू भी आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए, फैक्टर तो आपको समझ आ गया। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 20 का, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका जो फैक्टर होगा, ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से होगा क्या? नहीं। 4 से होगा क्या? यस, 4 से भी होगा। 4 के टेबल में 20 आता है, दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि 4 से जो है वो 20 एग्जैक्टली डिविजिबल है। 4, 5 और इसके अलावा अगला बताइए, तो 20। यहाँ पे आपका जो फैक्टर होगा 20 का, वो 5 नंबर्स होंगे, 1, 2, 4, 5 एंड 20।
तो हम क्या कहेंगे, 1, 2, 4, 5 and 20 इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर एंड दैट नंबर इज व्हाट 20। आई होप कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। तो अब इसमें तो आपको डाउट नहीं ही होना चाहिए, क्लियर। अब आते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स को जान लेते हैं, वेरियस 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 टाइप्स ऑफ व्हाट नंबर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर में पहला जो नंबर आता है उसमें क्या आता है, तो इवन नंबर। आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, तो जिस नंबर को हम एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं किससे, 2 से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर। सो अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो दोज नंबर्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, तो इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 से डिवाइड कितने नंबर्स हो सकते हैं, क्या 1 जो है वो 2 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये इवन नंबर होगा, नहीं होगा। 2 है, 2 से डिवाइड है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, 4 है, 8 है, 16 है, उसके बाद क्या है, 32 है, इसके अलावा 6 है, इसके अलावा क्या है, तो 12 है। तो ये सारे नंबर्स ईटीसी, ये सारे नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर है, या आप कह सकते हैं जो 2 का मल्टीपल है, जो 2 का मल्टीपल है वो क्या होगा, तो इवन नंबर होगा। जैसे 2 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, एक तो 2 होगा, दूसरा 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर क्या होगा, 8 होगा, फिर 10 होगा, उसके अलावा 12 होगा, 14 होगा, so on। जितना सारा 2 का मल्टीपल्स होगा उसको भी हम लोग इवन नंबर बोलेंगे, बिकॉज वो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, और एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। दूसरा होता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होता है, तो उस तरह का नंबर जो कि एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, ऑड नंबर। दोज नंबर्स which is not divisible by 2, तो ये हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल क्या ले लिया, 3, ये क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो भाई बेटा क्या बताओगे तुम, कि ये हमारा ऑड नंबर है। आपसे पूछा जाएगा क्यों ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 9 की, मैं बात कर लूँ 11 की, मैं बात कर लूँ किसकी, तो 15 की, मैं बात कर लूँ किसकी, तो 21 की। ये सारा जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। अब आते हैं तीसरे टाइप के नंबर पे। तीसरा टाइप का जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आपने ऑलरेडी समझा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस करा। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, प्राइम नंबर आर दोज टाइप्स ऑफ नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर कौन सा होता है, तो एक तो वो 1 होता है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होता है। मतलब प्राइम नंबर्स आर दोज टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड दैट फैक्टर्स इज 1 एंड इटसेल्फ द नंबर, ठीक है। तो ये नंबर हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे, आपको और भी बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को लिख दूं। डेफिनेशन क्या क्या है, तो दोज टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हिच हैव
ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, दैट फैक्टर इज वन एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, अपने आप का, अपने आप वो नंबर क्या है, एक तो वो नंबर है और दूसरा उसका फैक्टर क्या है, वन है। मैं लिख रहा हूं 11, अब बताइए इसका फैक्टर क्या होगा। एक तो ये वन से डिविजिबल होगा और दूसरा ये 11 से डिविजिबल होगा, तो 1 और 11 जो है इसका केवल दो फैक्टर निकल के आया, एक तो 1 आया और दूसरा वही नंबर जो 11 है वो आया। तो यहाँ पे इस 11 को हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइम, प्राइम नंबर बोल देंगे। बात समझ आया या नहीं आया? अब बताइए तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 6 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है केवल दो नंबर से डिविजिबल है, दैट इज 1 एंड 11, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब अगर 9 की बात करूँ, 9 क्या प्राइम नंबर है? तो चेक करते हैं, ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, इसके अलावा ये 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे ये 3 जो है इस 1 और 9 के अलावा ये तीसरा फैक्टर है, इसलिए हम इसको प्राइम के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो क्या अब आपको समझ आया? हाँ, अब आपको समझ आ गया, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर के बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर भी एक तरह का नंबर होता है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, तो जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे क्या होता था कि दो फैक्टर होता था और वो दो फैक्टर के साथ कंडीशन क्या था कि एक तो वन एक फैक्टर होता था और दूसरा वही नंबर उसका फैक्टर होता था। बट कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, दोज टाइप्स ऑफ नंबर्स विच हैव मोर देन व्हाट, तो मोर देन टू फैक्टर्स। तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे मैंने लिया 4, अब इसका फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। मैंने लिया 8, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा। मैंने लिया 16, इसका क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, 16 भी होगा। तो इस तरह के नंबर्स जहाँ पे जो है हमारा फैक्टर क्या होता है, मोर देन 1 होता है, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हों, वो सारा का सारा नंबर जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब अगर मैं बात कर लूँ ये 9 की, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, किसके अंदर आएगा, प्राइम नंबर के अंदर या कंपोजिट नंबर के अंदर? तो ये हमारा आएगा किसके अंदर, कंपोजिट के अंदर। क्लियर है? तो आई होप कि जो है ये पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बेटा एक चीज़ और हम आज आपको यहाँ बता दें, क्या, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये क्या है, तो नंबर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जिसको आपको याद करना है। पहला ये कि 1 एक नंबर है, 1 आपको पता है कि ये क्या है, एक नंबर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह का नंबर है, ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये कौन सा नंबर है, तो ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 1 को हम क्या बोलते हैं, ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट। क्यों प्राइम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि 1 जो है इसका एक ही फैक्टर है, क्लियर। इसलिए प्राइम का मैंने कंडीशन बनाया बताया क्या, कि उसके लिए एक के अलावा वो नंबर क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अब एक तो खुद में एक है, इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, वो तो होगा नहीं, इसलिए 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है। दूसरा कंपोजिट,
क्लियर है कि कंपोजिट में मैंने बताया था कि दो से ज्यादा फैक्टर, अब वन का भाई एक ही फैक्टर ही है तो वो कंपोजिट कैसे हो सकता है? तो आपको याद रखना है कि वन जो है वो ना ही कंपोजिट होता है और ना ही क्या होता है तो प्राइम होता है। अब बात आती है दो की। दो एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो दो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों है, क्यों है दो हमारा प्राइम नंबर? क्योंकि दो का भी केवल दो ही फैक्टर है। टू इज व्हाट, आल्सो, टू इज आल्सो ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इसका एक और दो, केवल वन और टू ही इसका क्या है, फैक्टर है जिससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। दूसरा कि इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि टू जो है इज, टू इज व्हाट, लोएस्ट, लोएस्ट प्राइम नंबर। जितने सारे नंबर्स हैं प्राइम, उसमें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन है, तो दो है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक पॉइंट और है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या है, तो दो का ही एक तीसरा पॉइंट ये है कि दो केवल और केवल इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि दो क्या है, तो दो एक इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा, इसके अलावा जो भी इवन नंबर है वो कंपोजिट, वो कंपोजिट नंबर्स जो है उसके कैटेगरी में आते हैं। तो दो हमारा क्या हो गया, टू इज, टू इज, टू इज वनली, वनली इवन, वनली इवन प्राइम नंबर। ऑल अदर नंबर्स हैव व्हाट, तो कंपोजिट नंबर्स। ऑल अदर एक्चुअली इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको ये बातें इसमें एक लाइन और आप ऐड कर लीजिए, वो क्या, ऑल अदर इवन नंबर्स आर व्हाट, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे अगले क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे कि अगर हमको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, और अगर हमको कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीडबैक होता है हमारे लिए, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया है। तो चलिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो के बारे में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत कुछ करिए। ठीक है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।